बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रांची पहुंचे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने विपक्षी एकता के मुद्दे पर नीतीश कुमार को अभिभावक बताया और कहा कि हम इनके मार्गदर्शन में काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग बहुत जल्द पुनः इस विषय पर बैठने की हम लोगों की कोशिश होगी और एक जो सब लोगों के विचार हैं उसको कैसे हम एक समान विचार बनाएं, इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे गार्जियन आज हमारे सामने बैठे हैं, हम लोग तो बिल्कुल कहा जाए कि नए जनरेशन के राजनीतिक सिपाही कह सकते हैं। वहीं इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश का इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आज हेमंत सोरेन से भी अच्छी बात हुई है। अरे आप देखिए ना भाई, आप देखिएगा ना, हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो अगला बार जो चुनाव होगा लोकसभा वाला, तो उसका देखिएगा ना क्या रिजल्ट आएगा। फिर तो देश का जो इतिहास है वो कायम रहेगा, आजादी की लड़ाई का इतिहास कायम रहेगा और मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए, और आपस में किसी तरह का विवाद हम लोग नहीं करने देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के मिशन पर निकले हुए हैं ताकि 2024 के आम चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दी जा सके। इस मिशन को लेकर वे विभिन्न राज्यों का दौरा कर गैर एनडीए नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नवीन पटनायक से मुलाकात की है। बुधवार को हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का अगला पड़ाव मुंबई होगा। गुरुवार को मुंबई में नीतीश, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।